दोस्तों, अगर आपने मॉल 91 में कोई दुकान या कोई होटल या कोई स्कूल या कोई भी संस्थान अगर रजिस्टर्ड करवाया है दोस्तों, तो यकीन मानिए वो ज़्यादा दिन अब रहने वाला नहीं है मॉल 91 में, अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं करवाया है तो। क्योंकि दोस्तों, अगर उसको वेरीफाई आप करवा लेते हैं तभी उसमें आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या कोई भी उसका फीचर आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे अपने दुकान में। इसलिए दोस्तों, अपने दुकान को या अपने संस्थान को वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉल 91 बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और रूल फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, अपने दुकान को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी आपके साथ है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दो ट्रिक दोस्तों, जिसके माध्यम से आराम से आप अपने दुकान को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आप अपने दुकान को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा और इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों, बढ़ा के नहीं, स्किप करके, ऐसे ऐसे बढ़ा के नहीं, क्योंकि बढ़ा के देखिएगा, हो सकता है मैं कुछ पॉइंट उस समय बोलूं जो आप सुन नहीं पाए, आपसे मिस हो जाए, तो बाद में आपसे उन्हें काम नहीं हो पाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर नहीं हो पाया। तो प्लीज आप बढ़ाइएगा नहीं दोस्तों, आराम से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप फायदा के लिए वीडियो देख रहे हैं, आपको इससे फायदा हो रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है, तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ ये कि कैसे किया जाता है, क्योंकि मुझे भी करना है अपने कोचिंग के लिए, तो मेरे साथ आप भी सीखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो की भावना में हम और आप खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉल 91 से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया दोस्तों, जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है और आपको जानकारी देने वाला है, तो वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आता हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दुकान का वेरीफाई करवाऊंगा और बहुत आसानी से करवाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास दो ट्रिक है दोस्तों, मैं दोनों ट्रिक के बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ट्रिक है। दोस्तों, वो जो पहला जो ट्रिक है दोस्तों, वह है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ट्रिक का एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन ट्रिक का व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे भेजना होता है दोस्तों। क्या क्या भेजना होता है, चलिए इस पे मैं पहले बात कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको एक वीडियो भेजना होता है, एक मिनट या उससे कम का वीडियो हो दोस्तों, मतलब आपका जो दुकान है वहां पे आप एक वीडियो बनाना है। वीडियो बनाना कैसे है दोस्तों, अपना मोबाइल लेना है और सेल्फी वाला स्टार्ट करना है, जो सामने का जो फ्रंट का कैमरा होता है उससे वीडियो बनाना है, एक मिनट या उससे कम का। आपको बोलना क्या है वीडियो में, तो दोस्तों चलिए मैं बताऊंगा नहीं बल्कि मैं दिखाऊंगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले आप वीडियो देख लीजिए मैंने कैसे वीडियो बनाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा भी एक कोचिंग क्लास है और मैं उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी एक वीडियो बनाया हूँ, पहले वो देख लीजिए। तो चलिए पहले वीडियो देख के आते हैं। हेलो मॉल 91, मेरा मुकेश कुमार है और मैं कोचिंग खोला हुआ हूँ, मैं टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ कोचिंग में, जिसका नाम है क्रिएटिव कोचिंग क्लासेज। और मैंने मॉल 91 पे अपने कोचिंग को रजिस्टर्ड करवाया हुआ हूँ, लेकिन अभी तक वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो प्लीज हमारे आप कोचिंग को वेरीफाई कर दें कि बच्चे मॉल 91 से हमें पेमेंट करें और उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिले, इसलिए जल्द से जल्द हमारे कोचिंग सेंटर को आप वेरीफाई कर दो। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या बोलना है। दोस्तों, मेरा कोचिंग क्लास था इसलिए मैंने कोचिंग का जिक्र किया, आपका दुकान हो सकता है, आपका होटल हो सकता है, उसका जिक्र आप कीजिएगा वहां पे। तो दोस्तों, एक सिंपल सा एक वीडियो आप शूट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट देना होता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में तीन डॉक्यूमेंट में बताऊंगा, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और वोटर आईडी कार्ड हो गया, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों देना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है मॉल 91 के सामने। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप नंबर पे आप उस वीडियो को सेंड करना है और एक जो आपका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जिन तीनों में से कोई एक, उसको दोस्तों आपको खींच के अपने मोबाइल से उसको वहां सेंड करना होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो समझ गया आपने दोस्तों, मैं तो ये जानता हूं कि सभी लोग को व्हाट्सएप चलाना आता होगा और कैसे भेजते हैं वो सब लोग जानते होंगे। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट कीजिए ना, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे कैसे भेजना है, उसका वीडियो मैं बना के आपको दिखा दूंगा, छोटा ही वीडियो बनाऊंगा लेकिन दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करें, अगर जिनको नहीं आता है ये भी करने की व्हाट्सएप पे कैसे सेंड किया जाता है, तो प्लीज प्लीज कमेंट करें दोस्तों। चलिए मैं दूसरा ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, दूसरा ट्रिक क्या है। तो दूसरा ट्रिक में भी आपको वीडियो जरूरी है, आपने जो वीडियो शूट किया है एक मिनट का उससे कम का, वो वीडियो भी जरूरी है और आपका डॉक्यूमेंट भी जरूरी है, दोनों साथ, वो दोनों को आप रख रहिएगा दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिकल दिखाने पर विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको मेरे मोबाइल में चलना होगा और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आपको करना है, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे ही आपको करना होता है। तो तैयार है मेरे साथ, तो चलिए मेरे साथ चलिए मोबाइल में, मैं आपको अपने मोबाइल में लेकर चलता हूँ।
दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, कि आप देख सकते हैं, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, इस वीडियो का जो ये जो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ आपको ये प्रेस करना है और दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और थोड़ा सा नीचे आना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ तीन स्टार आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि मैं दिखाने का प्रयास अब कर रहा हूँ। तो उसके बगल में लिखा हुआ है दोस्तों कि शॉप और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई, यानी किसी भी दुकान और किसी भी तरह का संस्था का वेरीफाई करवाने के लिए ये लिंक है दोस्तों। सिंपली इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो लिंक है ना, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये लिंक है, इस पर क्लिक करना है और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको फॉलो करना है दोस्तों। तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो में ऐसे आके इस लिंक पर क्लिक करना है। चलिए मैं अभी क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर वेब आ जाएगा दोस्तों, या कोई भी वेब जैसे क्रोम आ गया है, आप में भी हो सकता है क्रोम आ जाए, तो यहाँ पर जस्ट वंस पर क्लिक करना है दोस्तों। तो जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों, ये खुलेगा। जैसे देखिए खुल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है शॉप वेरिफिकेशन फॉर्म। दोस्तों ये फॉर्म है और इस फॉर्म को दोस्तों आपको भरना हो, फिल करना है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल करता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप नेम लिखना है, तो दोस्तों आपका जो दुकान का नाम है वो यहाँ पे लिखना है, चाहे आपका किसी भी संस्था का जो नाम है वो ये लिखना है यहाँ पे। तो चलिए मेरा चूँकि नाम है दोस्तों क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ CREATIVE क्रिएटिव COACHING कोचिंग क्लासेस। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया, आपने आप भी अपने शॉप का नाम ऐसे ही लिखिएगा। तो दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा है शॉप रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। दोस्तों जिस नंबर से आप ऑनलाइन ट्यूर में रजिस्टर्ड हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वो नंबर लिख लेता हूँ दोस्तों, आपको भी ये नंबर वहाँ पे अपना लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों पिन कोड लिखना है, जिस एरिया में जो भी पिन कोड आपने ऑनलाइन ट्यूर में डाला है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो अपना पिन कोड यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरा पिन कोड है 8015 मैं यहाँ पर दोस्तों लिख लिया। और आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ ऐड फाइल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड फाइल पे। और जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों, ये देखिए ये पूरा आपका अपलोड करने के लिए एक इंटरफेस आपके सामने खुल गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपसे परमिशन मांग रहा है, चलिए मैं इसको परमिशन दे दिया हूँ, आपको भी यही करना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपको तीन ऑप्शन आ रहा है, कैमरा यानी कैमरा से आप तुरंत उसका फोटो खींच के आप डाल सकते हैं, या रिकॉर्डिंग करके, या फिर फाइल। दोस्तों मैं ऑलरेडी मैंने आपको दिखा भी दिया है कि मैंने फोटो खींच लिया है अपने डॉक्यूमेंट का, तो आपको वहाँ पर अपने फाइल में जाना होगा। तो आप भी अपने मोबाइल से पहले डॉक्यूमेंट का फोटो खींच लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से अपने फाइल में जाइएगा, फाइल पर क्लिक कीजिएगा। जो दोस्तों मैं इसे फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ, देखिए फाइल पे क्लिक कर लिया दोस्तों, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा जो मैंने पैन कार्ड जो फ़ोटो खींचा था, वो फ़ोटो यहाँ मैं ढूंढूंगा मेरा फ़ोटो कहाँ है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा फ़ोटो है, मैं यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दिया हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दिया हूँ, अब मैं इसको अपलोड करूँगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अपलोड लिखा हुआ है, मैं इस पर अपलोड पर क्लिक कर दिया दोस्तों, ये अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों चलिए जब तक अपलोड हो रहा है, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो दोस्तों देखिए ये अपलोड हो चुका है, मेरा जो पैन कार्ड है दोस्तों यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है शॉप वीडियो, मैंने आपको बताया था ना कि एक मिनट का वीडियो आपको शूट करना होगा जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो चलिए उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। देखिए दोस्तों कैसे ऐड किया जाता है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर रहा हूँ। देखिए ऐड फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने इसको क्लिक कर दिया। सेम प्रोसेस है दोस्तों, फिर यहाँ सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से आपका इसमें फाइल में आना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका हूँ और मेरे फाइल में है, तो फाइल पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए वो वीडियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने वीडियो शूट किया था 7.4 MB का है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं उसको अपलोड करूँगा। देखिए दोस्तों ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो चलिए मैं इस आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को अपलोड होते हुए कैसे वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, वो वीडियो जो मैंने शूट किया था। तो दोस्तों आपको भी यही प्रक्रिया करना है, यही प्रोसेस अपनाना है, और सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, बहुत आसान है, और मैंने आपको इसको बता के बहुत, आप इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे गौर से देखिएगा दोस्तों, तो आप सीख रहे होंगे अच्छा से, यानी कोई भी व्यक्ति इसको आराम से कर सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, देखिए दोस्तों मैंने आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दिया है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि योर फ़ोन नंबर या रेफर कोड,
दोस्तों यहाँ पे आपका जो रेफर कोड है दोस्तों दुकान का, वो यहाँ पे आप पंच कीजिएगा, डालिएगा, या फिर आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हुए हैं मॉल 91 में, वो नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं। तो आपके ऊपर है दोस्तों, आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं या रेफर कोड। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया, मैं यहाँ पे सबमिट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबमिट का आपको दिखाई दे रहा होगा बटन, यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, देखिए मैं क्लिक कर दिया दोस्तों, ये सबमिट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा नेट है उसके अनुसार यहाँ पे मेरा प्रोसेस हो रहा है। तो सब वेरीफिकेशन, योर रिस्पॉन्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी आपका जो रिस्पॉन्स है दोस्तों वो रिकॉर्ड हो चुका है। और अगर कोई दूसरा रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब दूसरे दुकान का भी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे क्लिक किया ये फॉर्म आ गया, यानी अब यहाँ से दूसरे दुकान, जो आपका दूसरा अगर कोई दुकान हो उसको भी आप इसी तरह से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, मतलब वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। तो दोस्तों देखा आपने मैंने कैसे उसको किया, कैसे सारा काम को किया। तो दोस्तों ये जो लिंक है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैंने तो बता दिया आपको कि कैसे आपको वहाँ से लिंक को क्लिक करना है और कैसे पूरा काम करना है, सारा कुछ आपको दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों अब कुछ रहा नहीं दिखाने के लिए, और यकीन मानिए आपका दुकान वेरीफाई हो जाएगा, आपका होटल वेरीफाई हो जाएगा, सब जितना भी आपका जो संस्था है सारा चीज वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको जो दिखाया ये सही से आपको बता पाया हूँ दोस्तों, अच्छा जानकारी दे पाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी दोस्तों अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो यार कमेंट कर दीजिए आप, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे वो पता कैसे चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो कमेंट, जितना ज़्यादा कमेंट हो उतना ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मॉल 91।